दोस्तों साल 1993 में आई सुपर डुपर हिट फिल्म अनाड़ी ने तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल ही मचा दिया था। भला ऐसा होता भी क्यों ना। इस फिल्म में हमें राजनंदिनी और रामा की खूबसूरत जोड़ी जो देखने को मिली थी। जहां राजनंदिनी एक अमीर लड़की होती है तो वहीं राजनंदिनी के अंगरक्षक के रूप में रामा को नियुक्त किया जाता है। लेकिन राजनंदिनी रामा के प्यार में पड़ जाती है जो उसकी लाइफ में तूफान लेकर आता है। इस जबरदस्त कहानी को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। लेकिन दोस्तों इस फिल्म को रिलीज हुए करीब 29 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इन बीते 29 सालों में फिल्म में नजर आने वाले कलाकार भी काफी ज्यादा बदल चुके हैं, जिन्हें पहली नजर में पहचान पाना काफी मुश्किल है। इसलिए आज की हमारी वीडियो में हम आपको इस फिल्म में नजर आए कलाकारों के बारे में बताने वाले हैं कि वो कौन है, इन दिनों कहाँ है, क्या करते हैं और वो कैसे दिखते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन दिलचस्प सवालों के जवाब तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 1, जॉनी लीवर। दोस्तों इस फिल्म में जॉनी लीवर ने बबलू के किरदार को बड़ी ही खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया था और अब बबलू के किरदार को निभाकर प्रसिद्ध हुए अभिनेता जॉनी लीवर पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हैं। उन्होंने अपनी 64 साल की उम्र कम्प्लीट कर ली है और आज भी उन्होंने अपने अभिनय करियर को बरकरार रखा हुआ है। अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने सुजाता लीवर से शादी की है जिनसे इन्हें 2 बच्चे हैं। इन दिनों जॉनी लीवर मुंबई में अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। नंबर 2, राखी गुलजार। फिल्म में सावित्री का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री राखी गुलजार ने 74 साल की उम्र कम्प्लीट कर ली है, जिस वजह से बढ़ती हुई उम्र उनके फेस पर साफ झलकती है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। आपको जानकर दुख होगा कि राखी गुलजार ने फिल्मी दुनिया से दूरियां बना ली हैं और वर्तमान में अपनी बेटी के साथ फार्म हाउस विरागी में रह रही हैं। नंबर 3, सुरेश ओबरॉय। फिल्म में राजा विक्रम सिंह के किरदार में नजर आने वाले अभिनेता सुरेश ओबरॉय ने अपनी जिंदगी के 75 साल कंप्लीट कर लिए हैं और आज ये बूढ़े हो चुके हैं और दिखने में थोड़े से मोटे नजर आते हैं, जिस वजह से इन्हें पहली नजर में पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है। आपको बता दें कि इन्होंने अपने करियर को आज भी कायम रखा हुआ है और इन दिनों अपनी पत्नी यशोधरा और 2 बच्चों के साथ मुंबई में खुशहाल जिंदगी बिता रहे। नंबर 4, करिश्मा कपूर। फिल्म में मेन लीड एक्ट्रेस राजनंदिनी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस करिश्मा कपूर, जिन्होंने फिल्म में अपने किरदार को बड़ी ही खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया था। हालांकि उन्होंने अपनी जिंदगी के 47 साल कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन आज भी उनकी खूबसूरती इनके फेस पर साफ झलकती हुई नजर आती है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। बात की जाए इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो इन्होंने साल 2003 में संजय कपूर से शादी की थी, जो कि प्रोफेशन से एक सफल बिजनेसमैन है, और इस शादी से इन्हें 2 बच्चे हुए। बता दें कि इनकी शादी सिर्फ 13 साल तक ही टिक पाई और दोनों ने आपसी सहमति से डिवोर्स लिया। करिश्मा कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ी दूरियां बना ली हैं और इन दिनों अपने बच्चों के साथ मुंबई में रह रही हैं। नंबर 5, दग्गुबाती वेंकटेश। फिल्म में रामा का मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता दग्गुबाती वेंकटेश ने अपनी 60 साल की उम्र पार कर ली है, लेकिन आज दिखने में ये पहले से काफी ज्यादा हैंडसम और स्टाइलिश नजर आते हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। आपको बता दें आज भी इन्होंने अपने अभिनय करियर को कायम रखा हुआ है और इन दिनों अपनी वाइफ और 4 बच्चों के साथ तमिलनाडु में रह रहे हैं। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन से कलाकार का किरदार सबसे ज्यादा अच्छा लगा था, आप उस कलाकार का नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी दिलचस्प बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।